आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सौरभ विश ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ की हसीन सी वादियों में स्वागत है। दिन के 3 बजने वाले हैं और इस समय ना पहुंच चुकी है, आपको नारी देवी के भी दर्शन कराने वाला हूं। और जंगलों में आप मेरे बैक साइड देख रहे होंगे, पूरी आग लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा धुआं उड़ रहा है। पीछे साइड आपको नारी देवी के भी दर्शन कराने वाला हूँ आज की वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। माँ नारी देवी आने वाली है और गांव के सभी लोग यहां पे हमारे गांव के गदरे पे जाने वाले हैं। और यहां के और लोग मैं दिखाता हूं कहां पे आ गई है माँ नारी देवी। तो यहां पे गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं, यहां पे चाचा लोग सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं और गांव के सभी महिलाएं यहां पे हमारे गाँव के गदरे जा रहे हैं और यहाँ पे माँ नारी देवी को लेने के लिए। यहाँ से आने के बाद ऊपर जब आएंगे तो आपको यहाँ पे दर्शन वगैरह कराऊंगा। और यहाँ सामने पे माँ नारी देवी आ रही है बगल वाले गांव क्यारकी गांव से, जो ये सामने पे गांव दिखा दे रहा है ये प्राइमरी स्कूल, तो ये क्यारकी गांव की प्राइमरी स्कूल है। तो ये सामने पे ये शंकरनाथ देवता का मंदिर है और इस वाले रास्ते से ये लोग आ रहे हैं, तो आपको हल्के हल्के इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। तो इस वाले रास्ते से होके नीचे ये हमारे गाँव के नीचे गदरे आएंगे और यहाँ से हमारे गाँव के सभी लोग जाने वाले हैं माँ नारी देवी को लेने के लिए। तो यहाँ पे माँ नारी देवी की वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमारे गांव की देवी का स्थान है ये और यहाँ पे आपको मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अभी तो गांव के सभी लोग लेने के लिए जा रहे हैं गधेरे पे गाँव के, और यहाँ पे हमारा भाभी भाई भी पहुँच चुका है घर पे। तो भाई देवी आने वाली है तो दर्शन वगैरह जा रहा है और हाँ, तो दर्शन वगैरह करने के लिए गांव के सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे गांव के देवी वाले छत पे। और तो यहाँ पे सभी लोग छत पे बैठे हुए हैं, तो देवी आने वाली है। गांव के महिलाएं नीचे गई हैं यहाँ पे गांव के गधेरे साइड पे, तो वहाँ से आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, देवी के जयकारे की आवाज़ें आ रही हैं वहाँ नीचे से। तो आने वाले हैं थोड़ी देर में इस वाले रास्ते से ऊपर वाले रास्ते से, तो यहाँ पर आपको उनके दर्शन वगैरह कराते हैं। तो यहाँ सामने पे नारी देवी पहुँच गई है यहाँ पे सामने वाले घर पे। आप इस वाले खेत वाले रास्ते से होके यहाँ से आ रहे हैं, तो जितने भी वहाँ से लोग आ रखे हैं नारी गांव से, तो वो सारे लोग इस वाले रास्ते से ऊपर वाले आ रहे हैं और यहाँ पे आपको देखने वाले मिलने वाली है। गांव की काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे उमड़ चुकी है और माता भी पहुँच चुकी है गांव के बीच में। तो गांव के सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं छत पे और माता के दर्शन के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ गांव के लोग उमड़ पड़े हैं। और ये देखिए माता का पहुँच चुके हैं देवी के। Yeah.
बगल वाले घर में जा चुकी है, जो कि वो दादी भी नारी खजाना गांव की भी यहाँ से नारी गांव की है, जो मेरी चाची है वो भी नारी गांव की है। तो उनके घर में भी यहाँ पे नारी की देवी आएगी, जिसे कहते हैं गढ़वाली में ध्यान। तो जो भी वहाँ के लोग रहते हैं तो उनके घरों में देवी आती है, तो इस घर में भी आने वाली है थोड़ी देर में। आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। भाई सब लोग पहुंच चुके हैं, राहुल भाई यहाँ पे टीम बनाने में लग गया है, राहुल भाई भी पहुंच गया है और बाकी लोग यहाँ पे सामने वाले घर पे हैं। यहाँ पे हमारे घर पे आ रही है और समय यहाँ ऊपर वाले खेत से निकाल रहे हैं माँ नारी देवी को और छत से आएगी यहाँ पे घर पे। समय हमारे घर में भी महानारी देवी ने सबको दर्शन दिया और सभी लोगों को आशीर्वाद दिया, घर के मेम्बरों को सभी को आशीर्वाद भी दिया। और इस समय हम नारी देवी को अपने गांव के यहां पे ऊपर जहां पे दुकानें हैं वहां तक भेजने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग सभी लोग गांव के लोग लगे हुए हैं रास्ते यहाँ से ऊपर दुकान तक छोड़ने के लिए। बिल्कुल, ये हमारे दादाजी देखो यहाँ क्या के गाँव से आ रखे हैं। दादाजी देखो, दूसरे दादाजी डीलर, दादाजी हमारे डीलर वाले। हाँ, तो ये बगल वाले गांव के हैं दादाजी लोग, तो ये भी आ रखे हैं। तो यहाँ पे को यहाँ छत से निकाल रहे हैं और ये देखिए रास्ते तक हमारे गांव के लोग भी आ रहे थे यहाँ पे गुफड़ गांव के आधे रास्ते तक भेजने के लिए देवी को। और स्कूल है यहाँ पे हाई इंटर कॉलेज, तो वहाँ तक हम लोग भी जा रहे हैं और लोग भी हमारे गांव के सभी लोग जा रहे हैं वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद हम लोग भी घर आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे हम इंटर कॉलेज तक तो पहुँच गए हैं रास्ते तक, और गुफड़ गांव की काफ़ी सारी यहाँ पे पब्लिक आ रही है, लोग आ रहे हैं और उनको भी दिखाऊँगा। और काफ़ी भीड़ हो रही है इस समय यहाँ पे। Thank you.
अचानक प्लान हम लोगों का बफड़ गांव तक ही जाने तक बना है, तो हमारे साथ चाचा लोग भी हैं, तो सब लोग बफड़ गांव तक छोड़ने के लिए देवी को जा रहे हैं। तो हमारे गांव के काफ़ी हमारे चाचा लोग भी आ रहे हैं और बॉबी भाई भी है, तो हम चार पांच लोग हैं अपने गांव के आ रहे हैं तो बफड़ गांव तक। ये देखिए आगे सामने पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी भीड़ है, बफड़ गांव के काफ़ी सारे लोग यहीं पे आ रहे थे इंटर कॉलेज तक लेने के लिए देवी को, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और काफ़ी सारी भीड़ भाई, इतनी सारी भीड़ आपने पहले कभी नहीं देखी होगी साइड पे, तो काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलने वाली है। दादी और दादी लोग भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बैठे नाम और यहाँ पे बैठे हुए हैं। वाली है हम लोग गोफड़ गांव से वापस आ चुके हैं, घर जा रहे हैं, तो मैं बॉबी और चाचा लोग और सभी लोग जा रहे हैं घर के लिए। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, जो कि आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहेगी। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलेंगे नई वीडियो में नई लोकेशन पे नए लोगों के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।